महानगर को जलजमाव से मुक्ति के लिए लगातार महानगर के सभी 230 नालों की सफाई का विशेष अभियान जारी है। बुधवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि विगत वर्षों में महानगर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन नगर निगम कटिबद्ध है कि इस बार महानगर में जलभराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा। इस बार वक्त से पहले मानसून भी आ गया है, इसको देखते हुए 175 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया था जिसमें से 80 जगहों पर पंपसेट लगवाया गया है, जिससे जलभराव वाले क्षेत्र से पानी निकालने का काम चल रहा है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में जलभराव उत्पन्न हो रही है, लेकिन बारिश के आधे घंटे के अंदर ही जल निकासी हो जा रहा है। महानगर के बहुत बड़े हिस्से में नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है। समय से नाला सफाई हो उसके लिए अब शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अलग शिफ्ट में नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग से नाला सफाई गैंग के कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए पूरे नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से लगातार हम लोग जो वाटर लॉगिंग था इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम वाटर लॉगिंग इस बार नहीं होने देंगे। और आपने देखा होगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में बराबर इस बात को कहा गया है कि पानी इतनी हैवी रेन दो दो तो हमारे यहाँ आपने देखा कि एक क्या नाम है दो दो एक चक्रवात आए और उसके बाद लगातार कहिए कि मानसून पहले आ गया, हैवी रेन हुई, लेकिन उसके बावजूद बारिश होने के मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन कहीं पर भी आधे घंटे से ज़्यादा पानी नहीं निकला। कुछ एक दो लो लाइंग एरिया थे जो कि कह लीजिए कि काफ़ी पिछड़े और वो कह लीजिए कि निचले स्तर पे थे और वहाँ पर पानी लगा, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने अपना प्रयास किया। जगह जगह पे हमने कम से कम 175 जगह पे टोटल हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिनमें से 80 जगहों पे हमने जो है मड पंप लगवाया, मड पंप पानी मतलब खींच कर फिर उसको बाहर निकाला गया। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज लगातार चल रही है, नालों की सफाई भी अभी भी चल रही है पूरी तेज़ी से। इसके साथ साथ चूँकि हमको बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत तेज़ गति से काम करना है, हम लोग रात्रि में भी जो है नालों की सफाई कर रहे हैं, जिसको कि कल आपने देखा होगा कारमल रोड पर मेयर साहब और मेरी मौजूदगी में हम लोगों ने रात्रि में भी शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक एक हम अलग से शिफ्ट कर चला रहे हैं, जिसमें अलग से मशीनें लग रही हैं, अलग से हमारे नाला सफाई गैंग के हमारे श्रमिक लग रहे हैं। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बीच बीच में कई बार जगह देखने में ज़रूर आता है कि लोगों ने एक लंबा सा बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसको नाले को कवर कर दिया है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जितने कम तोड़फोड़ में हमारा काम चल जाए तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के उतने में हम लोग उसको पंचर करते हैं और उसके सील्ट निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि तत्काल जो है सील्ट वापस जो है यहाँ से उठ के वहाँ से चली जाए। तो ये एक सम्मिलित प्रयास है और निश्चित रूप से नगर निगम जो है इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने नगर निगम सीमा में रहने वाले जो हमारे जनमानस के लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो देंगे।